गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी ईवीएस की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ईवीएस की आज की क्लास में हम देखेंगे क्रॉसवर्ड। कहां से देखेंगे हम? फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्योरी से आज हम लेने वाले हैं क्रॉसवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमने अपने पिछले 2 क्लासेस में फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे, तो वो सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, तो क्या आप सब ने वो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं? ओके, वो जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अपने लास्ट वाले क्लास में चेक करेंगे। अभी देखो क्रॉसवर्ड में हमें क्या देखना है, अभी ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्योरी की क्रॉसवर्ड जो है वो देखने के लिए आपको अपनी ईवीएस की टेक्स्टबुक ओपन करना है और देखना है पेज नंबर 61। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो सब लोग वीडियो में यानी कि ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नीचे कुछ 5 क्लूज दिए हैं, तो उन क्लूज को पढ़ के ये जो क्रॉसवर्ड है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो अभी हम एक एक क्लूज पढ़ेंगे और एक एक क्रॉसवर्ड जो है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, तो देखो पढ़ो अच्छे से। पहला वाला क्लूज क्या है अपना, वी वेयर दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स ऑन अ हॉट डे। देखो क्या है, वी वेयर दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स ऑन अ हॉट डे। हम हॉट डे में ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं, इस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। कौन से टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं हम हॉट डेज में? देखो सी है, टी है, ओ है, इससे क्या बनेगा, हम हॉट डेज में पहनते हैं कॉटन के क्लॉथ्स। कौन से? कॉटन के। तो अभी हम क्या लिखेंगे, सी तो लिखा है, हम लिखेंगे सी ओ डबल टी ओ एन, क्या हो गया, कॉटन हो गया, सी ओ डबल टी ओ एन, कॉटन। हम हॉट डेज में पहनते हैं कॉटन के क्लॉथ्स, समझ में आया आपको। उसके बाद सेकंड वाला क्लू क्या है अपना, इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर। देखो ये जो सेकंड वाला जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स है। तो क्या है, देखो क्या बन सकता है इससे, वैसे तो वाटर के सोर्स बहुत से देखे हैं हमने, देखे हैं ना, लेकिन पहले क्या लिखा है, पी ओ। अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यन, तो उससे क्या बनेगा, पॉन्ड, तालाब, पता है ना आपको। तो ये जो पॉन्ड है वो सोर्स ऑफ वाटर है, समझ में आया आपको। टू कंप्लीट हो गए। उसके बाद इट इज टाइप ऑफ वेदर। देखो ये जो है वो वेदर का टाइप है, वेदर तो आपको पता है मौसम। तो देखो इट इज टाइप ऑफ वेदर हम देखेंगे अभी। देखो सी ओ डी वाई, इससे क्या बन सकता है, क्लाउडी, क्या बनेगा इससे, सी एल ओ यू डी वाई, क्लाउडी हो गया, क्लाउडी वेदर होता है ना। उसके बाद देखो नंबर 4 में कौन सा है, दिस इज हाउस ऑफ अ लायर। देखो लायर का जो हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लायर कहाँ पे लायर करते हैं, गुफा, गुहा बोलते हैं उसको हम, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेन। कहाँ पे बोलते हैं, लायर डेन में। इसलिए देखो यहाँ पे डी ई तो लिखा है पहले से, हम लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे यन, क्या हो गया, डेन हो गया कंप्लीट। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, देखो यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ वेदर वी वेयर वूलन क्लॉथ। इन दिस टाइप ऑफ वेदर वी वेयर कौन से क्लॉथ, वूलन के क्लॉथ। हम वूलन के जो क्लॉथ होते हैं वो कौन से वेदर में पहनते हैं, कौन से, विंटर या फिर कोल्ड वेदर, है ना। विंटर जो है वो सीजन हुआ, और जो कोल्ड है वो क्या हुआ, वेदर हुआ। तो यहाँ पे पूछा है हमें वेदर, तो वेदर ही लिखेंगे आप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोल्ड, क्या लिखा हमने यहाँ पे, कोल्ड हो गया क्रॉसवर्ड कंप्लीट। हमें कौन से वर्ड मिले, हमने कौन से वर्ड यहाँ से फाइंड किए वो अभी हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखो नंबर 1 क्या है, कॉटन। वन क्या है, कॉटन, हाँ कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं हॉट डेज में। सेकंड वाला क्या है, पॉन्ड, तो पॉन्ड क्या है, पॉन्ड इज द सोर्स ऑफ वाटर, समझ में आया आपको। उसके बाद नंबर 3 क्या है, क्लाउडी, क्लाउडी क्या है, वेदर, क्लाउडी क्या है, वेदर। ओके,
उसके बाद नंबर फोर क्या है? डेन। तो डेन क्या है? देखो नंबर फोर ये क्या है? लायन का हाउस। डेन क्या है? लायन का हाउस। एंड लास्ट वाला क्या है? कोल्ड। तो कोल्ड क्या है? देखो इन दिस टाइप ऑफ वेदर वी विल वूलन क्लॉथ, यानी कि हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं कोल्ड वेदर। समझ में आया आपको? तो ये जो सब है जो हमने आज की क्लास में किया, क्या कंप्लीट किया है हमने? क्रॉसवर्ड। तो वो आपको अच्छे से पहले समझना है, अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में लिखना है। और इसके साथ ही हम आज की जो क्लास है वो यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने न्यू लेसन के साथ। ओके, तो उससे भी पहले आपके पास एक एक्टिविटी है। सो यहाँ पे टू एक्टिविटीज है। जैसे कि फर्स्ट वाली एक्टिविटी क्या है आपके पास? कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी सेवन फूड आइटम्स एंड पेस्ट देम इन योर क्लास बुक। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स। देखो आपको क्या करना है कि कुछ सेवन फूड आइटम्स के जो पिक्चर्स है उनको कलेक्ट करना है। फूड आइटम समझ में आता है आपको? खाने की चीज, उनके जो पिक्चर्स है वो आपको कलेक्ट करने हैं और वो लगाने हैं अपनी स्क्रैप बुक में। समझ में आया आपको? और जब आप फूड आइटम के पिक्चर्स कलेक्ट करके अपनी स्क्रैप बुक में जब पेस्ट करोगे तो उसके साथ साथ आपको साइड में उसके नेम्स भी लिखने। ओके, एंड लास्ट वाला एक्टिविटी क्या है अपने? ड्रॉइंग। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल ऑन अ ड्रॉइंग शीट एंड कलर। देखो क्या करना है कि आपको अपने फेवरेट एनिमल का पिक्चर निकालना है, उसको अच्छे से ड्राइंग करना है। और कहाँ पे करना है ये सब? अपने ड्राइंग बुक। समझ में आया आपको? तो ये जो एक्टिविटी एंड जो ड्राइंग है वो भी आप कंप्लीट करो, तो ये जो क्रॉसवर्ड है वो भी आप कंप्लीट करो। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने न्यू लेसन के साथ। ओके स्टूडेंट।